वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और आप लोग सोच रहे हो भैया मैं घर पे बैठ के अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं पहुंच गया था कोलकाता, तो ये कैसे हो गया? तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ कैसे हुआ, क्योंकि वो सीरीज ऑलरेडी मैं ट्रेवल करके आ चुका हूँ और उसका नेक्स्ट सीरीज का ही प्लान कर रहा हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। मैं आपको बता दूँ ऑलरेडी कोलकाता दुर्गा पूजा के ब्लॉग्स में अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे तो जाकर चेक कर लीजिए। और उसके बाद मैं आगे ट्रेवल कर रहा था, वहां से निकल गया था उड़ीसा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने गया था। कैसे रहे दर्शन, क्या रहा, क्या सिस्टम है, अगर आप लोगों को जाना है कैसे जा सकते हो, तो डेफिनेटली वो सारी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली है, क्योंकि मैं अब आगे वहां से कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि मैं कोलकाता को बाय बाय करने वाला हूं। हम आगे Q&A करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड बात है, जैसे कुछ भी पूछना चाहते हो कि YouTube से रिलेटेड या कहीं XYZ जो भी कुछ आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए, जो लोग देखते हैं मुझे फॉलो करते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ भी, तो आप डेफिनेटली मेरी पोस्ट के थ्रू, क्योंकि मैंने पोस्ट डाला है, कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट डाला है, वहां भी आप कमेंट कर सकते हो। और आप लोगों की सपोर्ट से, प्यार से अपनी फैमिली अच्छी खासी बढ़ रही है, तो बस ये प्यार बनाए रखना है। और तो आप कंटिन्यू करिए, देखिए हमारा सफर आगे का, बने रहिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। और अभी हम यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं और 8 बजे की मेरी बस है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ पुरी। चार धाम में से एक धाम जगन्नाथपुरी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और ऑलरेडी हम बद्रीनाथ कर चुके हैं, रमेशम भी करेंगे, एक धाम और है, मतलब ऐसा ऐसा सारे धाम करेंगे। फिलहाल ऊपर वाला बुला रहा है, तो डेफिनेटली हम करेंगे। मैंने बस बुक करी है रेड बस से, अब ना यहाँ जिंग बस चलती है, ना यहाँ इंटरसेट चलती है, ना और कोई ब्रांड चलते हैं। बाकी देखते हैं कैसी बस होगी, क्या रिव्यू होगा, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप प्लान कर रहे हो कोलकाता जगन्नाथपुरी जाने का, क्योंकि ट्रेन भी नहीं मिल रही थी, वरना अदरवाइज हम ट्रेन पर चलते हैं। ये मस्टैंग है आपका कोलकाता का, तोपसिया रोड पे पड़ता है। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है यार, ये जो ये राइडर वाले जो एप्स हैं, ये लोग बुक करते हैं, उसके बाद भैया पूछते हैं फेयर कितना है, उसका कैंसिल कर देते हैं। और हम मतलब कैंसिल नहीं करते, कैंसिल हमें करना पड़ता है उसका। जब नेक्स्ट एप्लीकेशन में राइड बुक करते हैं तो भैया उस पर चार्जेस लगा देते हैं एप्लीकेशन वाले, ये बड़ा मसला है। तो फाइनली हम निकल के जा रहे हैं यहाँ से बाबू घाट, जहाँ बस स्टैंड है। और ऑलरेडी मैं सोच रहा था पहुँच जाएंगे टाइम से, पर अभी तक आया नहीं बंदा, देखते हैं राइडर कहाँ रह गया हमारा। और ये अपनी प्रॉपर्टी थी मुस्टैंग की, ठीक था, अच्छा था। लंबी चौड़ी ऊँची बिल्डिंग है, नीचे काफ़ी देर मैंने टाइम पास कर लिया, बस निकल रहे हैं अब तो। आ गई बाइक फाइनली, चले मेरे भाई चले। हाँ, भैया ने पहुँचा दिया है हमें। एक्चुअली में क्या हुआ कि हम जब निकले वहाँ, मैंने बुक करी थी ना, तो हमने करी थी बाबू घाट जो बस स्टैंड है इनका, और भैया आए मुझे बताया कि भैया वहाँ से बस नहीं जाती, बस जाती है आपकी, ये कौन सी जगह बताई आपने भैया, मज़ार सैयद बाबा मज़ार है। तो वहाँ कह रहे थे कि वहाँ पे अगर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है या भीड़ भड़क का होता है, जैसे अभी दुर्गा पूजा का प्रोग्राम चल रहा है, तो बसें यहीं से जाती हैं। तो मुझे सबसे गंदी बात क्या लगी भैया, एक तो कोई कन्फर्मेशन आई नहीं, मुझे कॉल नहीं आई, दूसरा मैं कॉल करके पूछ रहा हूँ तो बता रहे हैं कि भैया यहाँ से बस चलेगी, वो भैया ने ना बताया था, तो भैया आज तुम्हारी बस छूट जाती। सही बात है भैया, मैं तो वहाँ पहुँच जाता और बस यहाँ से चलती, तो मेरा हो जाता काम। थैंक यू भैया बताने के लिए यार। अब भैया को फ्री करते हैं और यहाँ ढूंढते हैं, ये बस स्टैंड है, बसेस खड़ी है, यहाँ ढूंढनी पड़ेगी अपनी बस कौन सी है। आर एन ट्रैवल, ये बसों की जो हालत है मुझे अच्छी नहीं लग रही। लाइट तो चमक रही है आर एन के नाम से, यही बस है क्या भैया? बस तो दिख गई है, ना कंडक्टर दिख रहा है, ना आता पता है, समझ नहीं आ रहा, बस का नंबर भी नहीं दे रखा। एक बस और खड़ी है, दो बसें जाने वाली हैं, बस देखने में ठीक ठाक सी है। फाइनली कंडक्टर साहब मिल गए हैं और सीट जांच ली है, पर अभी सामान नहीं रख रहे, करे हेल्पर आएगा वो रखेगा। बस की हालत ठीक ही लग रही है, पर एसी नहीं ऑन है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर सोने का है, दो है क्या, सिंगल है, पर है तो बहुत छोटा यार। अपनी सीट पीछे है, फिलहाल लोग तो बैठे हैं, हालत थोड़ी ख़राब सी है, प्लग व्लग मुझे नहीं लगता कि है इसमें, पुश बैक होनी चाहिए सीट्स, मुझे लगता है वो भी नहीं है। हाँ वो भी शायद, इधर दो लोग कैसे सोएंगे भाई, बस थोड़ी ऐसी है। बाकी सवार वे करें, बस का एसी ऑन करेंगे तो बाद में आएंगे। ये बस कुछ नहीं लग रही है यार, श्री कुंज की एसी ऑन नहीं कर रहे, तो भैया अंदर जाने का फ़ायदा नहीं है, भपका बना हुआ बहुत गंदे वाला। खाते थोड़ी देर शायद थोड़ा ठीक हो, फिर अंदर चलते हैं, बस का एसी स्टार्ट हो जाए, आराम से बैठते हैं। फिर कुछ बसें तो बहुत अच्छी लग रही है यार, तो यहाँ बसों के साथ साथ गाड़ियाँ ले लेके घुसे हुए हैं। एसी ऑन कर दिया है, आप ड्राइवर आप ही हो? देख रहा हूँ प्लग व्लग है कहीं चार्जिंग का, कुछ सीट्स ऐसी हैं, प्लग व्लग का तो पता नहीं भाई। एसी का दे रखा है, लाइट दे रखी है जो नहीं चलती, और बस थकी हुई बस है। चार्जिंग पॉइंट नहीं है भाई, भाई तो चार्जिंग प्लग नहीं है, बस पुश बैक है, एसी ठीक ठाक चल रहा है, हालत देख लो। चलो भाई हमने कौन सा रोड जाना है,
पर अगर जिन्होंने जाना है उनको बता रहे हैं भैया ये ध्यान रखना इस चीज़ का, लगेज ले लिया, लगेज का नहीं आइडिया है, वैंस की जान पता चला हमारा लगेज किसी और को देते हैं। फाइनली बस हिलनी शुरू हुई है तो फाइनली कोलकाता को बाय बाय करते हुए निकल रहे हैं। झगड़े वगड़े हो रहे हैं, क्या चक्कर है भैया? हम देने लगे थोड़ी चपकी, मिलते हैं, ब्रेक लगेगी खाना खाने के लिए। भैया फाइनल ब्रेक हुआ है खाना खाने का। कहाँ पहुँचे सर? पश्चिम मिदनापुर में। अभी खाना खाया जाए, 11:15 हो गए हैं। इसने रोक तो दी अपने हिसाब से, पर यहाँ मिलेगा क्या खाने को यार समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। यहाँ लिखा है शिवम होटल, पर यार क्या है खाने का देखते हैं। रोटी रोटी तो बन रही है, खाली है नीचे। अच्छा, वैसे तो पत्थर के अंदर है। पहली बार देख रहा हूँ सिस्टम, लाइन लगी हुई है जी, टोकन बन रहे हैं। जो भी चलो खाना आ गया और देखते हैं कैसे, और इसके लिए 70 रुपये रिजनेबल है, ठीक है चलो खाते हैं फिर करते हैं बात। थैंक यू। अच्छा इधर बताओ ये क्या है? कुछ तो पता चला, ये दाल है, ये पटल का सब्जी है और इसका पता नहीं, और ये भिंडी है। चलो खाना खाते हैं। एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे ढाबे के अंदर पी भी जा रही है साथ साथ और लोग खाना भी खा रहे हैं। खाने में चावल इतने ज़्यादा दे दिया सर, बताऊँ तो मुझे अजीब लग रहा था छोड़ते हुए, पर क्या करूँ, खा ही नहीं गए, चावल खाने की आदत ही नहीं है। रोटी मिली थी दो, वो खा ली थी, थोड़े चावल खा लिए, बाकी कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। और साथ में ही है ठेका, और सब ठीक ठाक ही है फिलहाल, मतलब पुशबैक सीट फर्स्ट क्लास है, तो प्लग नहीं है, नींद आ गई ठीक ठाक। और अब थोड़ा सा फिर दोबारा सोएंगे, सुबह 7:30 बजे पहुँचा देगी। मैंने रेड बस से बुक करी थी, 4-5 ऑप्शन आ रहे थे जिसमें से सबसे सस्ती वाली यही थी, 900 रुपये की टिकट थी। उसके अलावा जो बाकी बस की टिकट थी 1400, 1500, 1400, 1500, अब अपने हिसाब से देख लेना। भुवनेश्वर पहुंच गए भैया, चलो फाइनली पहुंच गए भाई। तो ये अपनी बस के पीछे अली जो आपको ऐसे लग रहा था उड़ाता हुआ लेके आ रहा था, मैं कहा ठोक ठाक ना दे तो पहुँचा दिया इसे सेफली। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और हम पहुंच चुके हैं पूरी जगन्नाथपुरी, 4 धामों में से एक धाम। और इस वक्त बस स्टैंड पे है, सुबह सुबह पहुंचा दिया बस ने, 7:30 का टाइम था, 7:15 बजे पहुंचा दिया। अब देखते हैं कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या सिस्टम है, पहले मैं लोकेशन देखता हूँ तो फिर बताता हूँ आपको। और यहाँ से अभी जो डिस्टेंस दिखा रहा है मंदिर का, अराउंड 2.5 किलोमीटर है। और यहाँ पर रिक्शा ऑटो चल रहे हैं, बताऊँ तो मैंने कुछ भी बुक नहीं कर रखा। और यहाँ पर धर्मशालाएँ बहुत सारी हैं, होटल बहुत सारे हैं, अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ जाके मंदिर के आसपास आधा किलोमीटर के दायरे में ही कुछ देखा जाए। रिक्शे अलग 2-2.5 किलोमीटर, 100 रुपये से स्टार्ट होता है, 20 रुपये में आ जाता है। ये कोई खुला ग्राउंड है और ये सीधी सड़क जो है बस स्टैंड से निकल के ये मंदिर की तरफ जा रही है। थोड़ा सुबह सुबह मैं वॉक हो जाएगी, ये सामान के साथ वॉक करना कोई अच्छी बात नहीं है, पर मैं क्या कोई बात नहीं देख लेंगे। भाई लोग यहाँ हो गए परेशान, रूम ही नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन बुक करा है, वहाँ जा रहा हूँ रिक्शा करके, मतलब ऑलमोस्ट घूम घूम के थक चुका हूँ यार पूरी तरह। मतलब उसी समझ लो 7:15 की बस आ गई थी, उसके बाद से 9 बज चुके हैं, 1.5-2 घंटे का घूम रहा हूँ समझ रहे हो, रिक्शे में बैठे तो फिर जा रहा हूँ। अभी ऑनलाइन बुक करा है, वो यहाँ से है 5-6 किलोमीटर, वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। बुक माई ट्रिप से करा है और पैसे नहीं बुक दिए यार, पता नहीं वहाँ जाके पता चला मेरे साथ कोई KLPD हो जाए, कुछ नहीं पता। तो चलो भाई देखते हैं क्या होता है, ये भी एक एडवेंचर है। ये जितने छोटे छोटे लॉन्च है ना, एक तो देखने बहुत बुरे लग रहे हैं पर सब पैक है, उल्टे सीधे पैसे मांग रहे हैं सारे के सारे। तो भैया ये रास्ता जाता है बीच की तरफ से, मतलब समुंदर की तरफ से होते हुए जाता है, अब तो सड़कें भी साफ आई है, गलियों वलियों से लेके जाते थे पहले तो। तो भैया ये है मरीन ड्राइव, समुंदर, बहुत करारी धूप है भाई, ये फॉरनर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ भी काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, मुझे लग भी रहा था मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो गड़बड़ हो गई मेरे भाई। bookingmy.com पे स्पॉट ऑन करके प्रॉपर्टी है तो मैंने वो बुक करी और वहाँ पहुँचा हूँ, रिक्शे वाले को 100 रुपये दिए और भाई साहब वो प्रॉपर्टी अली बात दिख नहीं रही, और कॉल मिलाया तो ओयो का रूम नंबर निकला है, ओयो वाले कह रहे हैं भाई साहब हमने तो 2 महीने से उनसे कट ऑफ कर दिया, आपने गलत बुक कर लिया। और सेम ओयो का पंगा मेरे साथ ना शिमला में पड़ा था, नॉट रिकमेंड हो यो प्लीज़, फिर धक्के परेशानी हो रही यार, क्या ही करूं और क्या ना करूं यार, देखते हैं यार। तो भैया बड़ी मुश्किल से ढूंढा है होटल, ये KK भवन, रूम लिया है नॉन AC, AC की जो लग रही है नहा धो के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपना मंदिर का दर्शन करने। मौसम अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और बीच के पास है ये प्रॉपर्टी,
के भवन इसका नाम है और फिलहाल मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। ये प्रॉपर्टी मैंने 600 रुपये में रूम लिया है। ये आपको रूम करके झलक दिखा देता हूँ। थोड़ा ऐसे ही है, मतलब बस अकेला हूँ तो भैया ऐसे ही होता है। हॉस्टल वगैरह यहाँ है नहीं। रूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह क्लीन है। बाकी ये टीवी वगैरह लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे पब्लिक आ रखी है। रूम्स वगैरह मिलते नहीं है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। ऑनलाइन जो मैंने पहले बुक करा था उसने मेरे साथ गुची कर दी। बाकी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का सफर आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा, लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा शेयर कर देना, नहीं हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा जगन्नाथपुरी, जो हमारा 4 धामों में से एक धाम है, उसके दर्शन कराने। तो कैसे रहेगा दर्शन हमारा और क्या सिस्टम होता है और क्या चीज़ें होती हैं, क्या फॉर्मेलिटीज है, सब बताऊँगा। और आपको बता दूँ इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में कही जाती है। वो सारी बातें आगे अगले ब्लॉग में करेंगे, तो फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।